Hello and welcome to MahendraGuru.com official YouTube channel, and you are watching For Your Information, that is hashtag FYI History of 4th of December. Yes, 4 December ke itihas pe aaj hum nazar dalenge apne For Your Information hashtag FYI ke ek session mein. Bilkul aur saath mein hai hamare history guru, to unka bhi hum swagat karenge aur aap sabhi ka hum yahan swagat kar rahe hain apne is session mein ki aap hamare saath For Your Information mein 4 December ki history janne ke liye jo jude hai. So thank you so much for joining, and yes, keep watching the session kyunki is pure session mein aapko 4th of December ki history aur itihas ke bare mein pata chalega, events aur ghatnaye jo hum one by one discuss karenge. Aur bilkul yes, yahan pe iske sath ek baat aur hum aapko yaad dila de ki we will be with you 365 days in a normal year and 366 days in a leap year. To hum aapke sath har din judenge, har din ke itihas, har din ki history discuss karne, taki aapko ek din mein baith ke wo puri ki puri history ko look out na karna pade aur aap usko yaad कर सके. और बिल्कुल अब हम यहां हिस्ट्री गुरु से जानेंगे कि थोड़ा सा आपको बूस्ट अप करें और फिर हम इवेंट्स पे आएंगे सीधे-सीधे से. सो ओवर टू हिस्ट्री गुरु. एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 4 दिसंबर एफवाईआई फॉर योर इंफॉर्मेशन. तो आज यहां पर फिर से चर्चा करेंगे कि इस 4 दिसंबर को क्या-क्या इवेंट्स हुई हैं, क्या विश्व इतिहास में घटना हुई हैं, क्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में घटना हुई हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं. तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, पहले स्लाइड के ऊपर आते हैं. बिल्कुल, तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट इवेंट ऑफ 4th ऑफ दिसंबर दैट हेल्ड ऑन 1131 की बात है. उमर खयाम डाइड. 4 दिसंबर 1131 का वो दिन था जब उमर खयाम की मृत्यु हुई. तो बिल्कुल अब हम यहां चाहेंगे कि हिस्ट्री गुरु हमें बताएं कि उमर खयाम एक्चुअली है कौन और इनकी मृत्यु क्यों हमारे कैंडिडेट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है. याद रखना कि इसके क्वेश्चंस या इसका प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है. जी बिल्कुल, 1131 4 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन उमर खयाम, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं. अच्छा. और गणितज्ञ भी हैं और ज्योतिर्विद भी इनको कहा जाता है. अच्छा. तो क्या हुआ, इनका इसी दिन 4 दिसंबर को 1131 को इनका निधन हुआ. और ये किस लिए फेमस हैं, उमर खयाम की रुबाइयां, यानी कि ये अपनी रुबाइयों के लिए फेमस हैं. रुबाइयां एग्जैक्टली होती क्या हैं, 4 पंक्तियों में लिखी हुई एक कविता रुबाइयों के नाम से जानी जाती है. और इनका और भी बहुत सा योगदान रहा है उमर खयाम जी का. अगर हम देखते हैं तो ये ज्यामिति बीजगणित से भी संबंध रखते हैं, इनके बहुत सारे लेख भी अलजेब्रा में आए हुए हैं. तो उमर खयाम एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित पर्सनालिटी हैं जिनका कि 1131 4 दिसंबर को निधन हुआ था. बिल्कुल, मतलब यहाँ हम सर इनको कह सकते हैं कि ग्रेट मैथमेटिशियन भी रहे हैं. मैथमेटिशियन भी हैं और अपनी रुबाइयों के लिए ये खास कर जाने गए हैं. अच्छा, तो रुबाइयां हो गई, इनका गणित हो गया, मैथमेटिक्स हो गया. तो 1131 4 दिसंबर के दिन ही उमर खयाम जी की मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था. चलिए बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ और देखते हैं कि 4 दिसंबर को क्या अगला घटा था. तो वो है कुछ 1679 का, 1679 का इवेंट जो की है थॉमस हॉब्स, इंग्लिश फिलोसोफर एंड थियोरिस्ट डाइड. थॉमस हॉब्स इंग्लिश फिलोसोफर की और जो थियोरिस्ट भी रहे हैं, उनका निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई. तो इसके बारे में हम जानेंगे हमारे हिस्ट्री गुरु से कि अगेन क्यों इसको याद रखना, क्योंकि सर ये देखा जाए तो दुखद घटनाएं हैं, पर ये दुखद घटनाओं पे कैसे प्रश्न और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बिल्कुल हमारे कैंडिडेट्स को बताएं. जी बिल्कुल, आज ही के दिन यानी 4 दिसंबर 1679 को थॉमस हॉब्स, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम कभी भी लिटरेचर में नाम लेते हैं या कभी फिलोसफी में नाम आता है, किसी भी खोजकर्ता की बात होती है, चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे वो लेवाइथन, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी था, कहना चाहिए लेवाइथन एक दैत्याकार, एक आकृति थी, तो उसमें भी ये चर्चित माना जाता है थॉमस हॉब्स. इसका विश्व इतिहास में बहुत ज्यादा योगदान रहा है, एक राजनीतिक विचारक भी है. याद रखेंगे थॉमस हॉब्स एक राजनीतिक विचारक भी है और उसकी ज्यामिति की निगमनात्मक
प्रणाली भी इसकी देन है, जो ज्यामिति की निगमनात्मक प्रणाली है उससे भी यह संबंध रखता है। इस प्रणाली में इसने जो जोर दिया है वो बुद्धिवाद को जोर दिया है, और ये जो हॉब्स का बुद्धिवाद है, ये थोड़ा सा जो अन्य फिलोसफर्स हैं, चाहे वो हमारा प्लेटो हो, चाहे सेंट टॉमस हो या स्पिनोजा हो, इन सभी के बुद्धिवाद से भिन्न इसने एक दर्शन दिया है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यानी कि हॉब्स 1679 4 दिसंबर को आज ही के दिन इनका निधन हुआ। बुद्धिवाद के रूप में जाने जाते थे, बुद्धिवाद के विचारक थे, और इनका बुद्धिवाद बाकी अन्य दार्शनिकों से भिन्न माना जाता है। सर यहाँ ज्यामिति का हम पूछेंगे कि ज्यामिति का मतलब कहीं ज्योमेट्री से तो नहीं? बिल्कुल, ज्योमेट्री से ही, इसको हिंदी में ज्यामिति ही बोलते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे चलिए हमें भी एक नई चीज पता चली। दूसरी बात, यहाँ एक चीज पे और गौर हम करेंगे कि 4 दिसंबर के दिन दो ग्रेट मैथमेटिशियंस की डेथ हुई। जी बिल्कुल, अभी आपने एक इससे पहले न्यूज देखी थी, अभी ये न्यूज है, दोनों मैथमेटिशियन ही रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इवेंट क्या है हमारा 4 दिसंबर का जो घटा, दैट इज ऑन 1791 में द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ऑब्जर्वर, द वर्ल्ड्स फर्स्ट संडे न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड। पहला एडिशन द ऑब्जर्वर का, वर्ल्ड्स फर्स्ट संडे न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 1791 में। क्या बताएंगे सर इसके बारे में? जी बिल्कुल, ये बताऊंगा। सबसे पहले तो इसके एडिटर का नाम है जॉन मुलोलैंड इसके एडिटर थे, और 1791 में आज ही के दिन यानी 4 दिसंबर को ये एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, याद रखिएगा, ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, पहली बार 4 दिसंबर 1791 को छपा था। विशेषता ये है कि ये संडे को छापा गया, और पहला इसको कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट संडे न्यूज़पेपर, यानी कि विश्व का सबसे पुराना ये इतवार को जो पेपर छपा था, संडे न्यूज़पेपर के रूप में जाना जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि ये वर्ल्ड का सबसे पुराना संडे न्यूज़पेपर है। 1791 को 4 दिसंबर को इसका फर्स्ट एडिशन छापा गया था। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट विच हेल्ड ऑन 1829 एंड यस द डेट वाज 4th ऑफ दिसंबर 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बैंटिक इश्यूज अ रेगुलेशन डिक्लेयरिंग दैट एनीवन हु अबेट्स सती इन बंगाल इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो 1829 में कुछ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती के रिगार्डिंग एक स्टेप उठाया कि अगर कोई सती को अबेट करके पाता है या फॉलोअप करके पाता है तो उसको एक होमिसाइड का गिल्टी माना जाएगा। तो चलिए इसकी डिटेल डेफिनेटली गुरु से जानेंगे। बहुत बढ़िया है, और कल जो मैंने एक जीएस का एसटी एक हम लोगों का प्रोग्राम था उसमें भी ये डिस्कस किया था, राजा राममोहन राय के बारे में एक फेमस पर्सनालिटी का डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड है ये। बंगाल में एक कोर्ट था मैम, जहाँ पर उस समय एक बहुत बड़ी कुरीति थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, एक कुरीति थी कि कोई भी अगर व्यक्ति का मृत्यु होती थी या उसका निधन होता था तो उसको उसकी पत्नी को भी उसके साथ जबरदस्ती उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था। तो ये जो सती प्रथा थी, एक बंगाल कोड आया, उस बंगाल कोड के तहत ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये इशू किया कि अब इसका समापन किया जाएगा, यानी कि सती प्रथा का अंत किया जाएगा। किस एक्ट से? वो एक्ट है 1829 का एक्ट, बंगाल कोड एक्ट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हमारे भारत के एक सुधारक थे, समाज सुधारक थे, आधुनिक भारत के जनक भी थे, पुनर्जागरण के अग्रदूत भी थे, राजा राममोहन राय जी। राजा राममोहन राय जी का इस सती प्रथा को समाप्त करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग भी किया, और इस बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका वहां पर रही है। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड न्यूज है। 1829 ये एक्ट है, सती प्रथा से रिलेटेड एक्ट है, एक सती प्रथा को खत्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। बिल्कुल, तो यहाँ पे अब हमें एक नई चीज भी पता चली है 1829 के इवेंट के बारे में। तो चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट दैट हेल्ड ऑन 1918 में। आखिरी हमारा ये जो इवेंट है यहाँ का, यूएस प्रेसिडेंट वुड्रॉ Wilson sails for the World War One peace talks in Versailles, became the first US president to travel to Europe while in office.
1918 में यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने सेल्स फॉर द वर्ल्ड वॉर वन पीस टॉक्स इन वर्सेल्स बिकमिंग द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू ट्रैवल टू यूरोप व्हाइल इन ऑफिस. तो बिल्कुल यहाँ पे अब ये यूएसए से इंटरनेशनल एक इवेंट आया है, तो जानेंगे डिटेलिंग बिल्कुल सर से कि क्या इसमें महत्वपूर्ण या क्या इंपॉर्टेंस इसका हो सकता है. ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस है. आज ही के दिन यानी 4 दिसंबर को 1918 को जो वर्ल्ड वार हुआ, उस वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि कब से कब तक चला, 1914 से लेकर के 1918 तक, तो 1918 के बाद में 1918 में ही क्या हुआ कि जो भी विजय होने वाले राष्ट्र थे, जो विजय होने वाले देश थे, उनका एक सम्मेलन हुआ जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वर्सेल्स. ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको पेरिस कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, इसको पेरिस कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है. और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वुड्रो विल्सन की थी, क्योंकि वुड्रो विल्सन उस समय प्रेसिडेंट थे, तो और उन्होंने पहली यात्रा की यूरोप की कि शांति सम्मेलन अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि एक ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वार के बाद में एक जो मस्तिष्क में लड़ाई थी, जो कोल्ड वार का एक दौर आया था, जो मस्तिष्क में लड़ाई थी, ना कि किसी युद्ध स्थल में लड़ाई लड़ी जाती थी, तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए इसका निर्माण किया गया था. और इसको पेरिस शांति सम्मेलन भी कहा जाता है. इसमें एक डिसीजन लिया गया, इसमें पराजित देशों पर लागू करने वाली शांति की शर्तों का भी निर्माण किया गया. याद रखेंगे जो पराजित देश थे उन पर क्या शांति रखने की शर्तें होनी चाहिए, ये भी इस सम्मेलन में डिसाइड किया गया. और जिसमें विश्व के 32 देशों के राजनयिक यानी कि एम्बेसडर्स ने वहां पर पार्टिसिपेट यानी कि भाग लिया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और यहाँ पर वुड्रो विल्सन का नाम आया है, तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि वुड्रो विल्सन लीग ऑफ नेशंस के लिए भी जाने जाते हैं. और वहां पर जो निर्णय लिए गए उसमें मुख्य निर्णय क्या था कि लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया जाएगा. बिल्कुल, तो वहां पर लीग ऑफ नेशंस का भी इस पेरिस शांति सम्मेलन के बाद में निर्माण किया गया था. तो ये सारी न्यूज इससे रिलेटेड है, आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी साबित होगी. बिल्कुल, इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट दैट हेल्ड ऑन 1919 में आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बर्थडे था. दैट मींस 4 दिसंबर 1919 इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ डेट ऑफ आई के गुजराल, जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इनका पूरा नाम जान लेते हैं. 4 दिसंबर 1919 को इनका बर्थ जो ईयर है, 4 दिसंबर को बर्थडे ये सेलिब्रेट करते हैं अपना, इनका सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं. 1919 को इनका जन्म हुआ था. अब सबसे बड़ी चीज इंद्र कुमार गुजराल जी की क्या है, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे जी, और प्रधानमंत्री रहे 13वें यानी कि 13th नंबर के प्रधानमंत्री भारत के ये रहे हैं. और इनकी बहुत बड़ी विशेषता ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, उसमें ये जेल जाने वाले भी सदस्य रहे, यानी कि ये स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े हुए हैं. तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है, और 1942 में ये जेल भी गए हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो ऑब्वियसली ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे. और एक और इनके बारे में खासियत है कि ये प्रधानमंत्री बनने से पहले भी इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में एज अ मिनिस्टर भी कार्य किया है, वो संचार मंत्री भी रहे हैं, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे हैं. कुछ समय पहले जब तक ये पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, याद रखिएगा जब ये राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे, उससे कुछ दिन पहले इन्होंने बीबीसी की हिंदी सेवा में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया था. तो जी हाँ, इंद्र कुमार गुजराल जी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के लगते हैं हमको, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री भी बने और पत्रकार के रूप में भी कार्य किया. और प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने बहुत सारे मंत्री का जो पदभार था उसको भी संभाला था. जी मैम, चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट विच हेल्ड ऑन 1924 4 दिसंबर का ही दिन था जब गेटवे ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन हुआ था. गेटवे ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 4 दिसंबर 1924. तो अब यहाँ सर से पहले हम ये पूछेंगे कि सर ये गेटवे ऑफ इंडिया जिसकी लोकेशन मुंबई है, राइट? बिल्कुल सही आपने कहा, गेटवे ऑफ इंडिया
मुंबई में ही है, ये मुंबई में स्थित है, हम कह सकते हैं अरेबियन सी के पास में है ये। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ये मुंबई नगरी के साउथ में ये समुद्र तट पर स्थित है, कहना चाहिए जो साउदर्न प्लेस है वहां पर समुद्र तट पर स्थित है और बहुत ही एक भारत के जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसके रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है कि जब इसका निर्माण हुआ, देखिए यहाँ पर ये इनॉग्रेटेड है, उद्घाटन भी हुआ था, फाइनली ये पूरी तरीके से आर्किटेक्ट यानी कि बन गया था 1924 में, 4 दिसंबर के ही दिन यानी कि आज ही के दिन इसका पूरी तरीके से बना था और इसका उद्घाटन किया गया था। अब इसमें कुछ चीजें जान लीजिए, एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें हिंदू इस्लामिक जो कल्चर है वो भी दिखाई देता है, कहीं ना कहीं उसको वहां पर मिलाकर के बनाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी, गेटवे ऑफ इंडिया की, जब ये बनाया गया था तो इसके जो टोटल खर्चा उसमें 20 लाख रुपए वहां पर आया था। एक और इसकी गेटवे ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी खासियत हम लोग जान लेते हैं कि ये क्यों बनाया गया था, क्या कारण था। देखिए उस समय क्या था कि जॉर्ज पंचम राजा थे ब्रिटेन के और मैरी, क्वीन मैरी, दोनों लोगों ने बंबई का दौरा किया था, यात्रा की थी, तो उनकी याद में ही इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। और इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका आर्किटेक्ट का नाम है जॉर्ज विटेट, याद रखिएगा जॉर्ज विटेट आर्किटेक्ट थे इनके, और क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम ने जो बंबई की यात्रा की थी उसकी यादगार में इस गेटवे ऑफ इंडिया का 1924 में आज ही के दिन निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन किया गया। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट विच हेल्ड ऑन 1954, 1954 4 दिसंबर के दिन ही द फर्स्ट बर्गर किंग वॉज ओपन्ड इन मियामी, पहला बर्गर किंग मियामी में ओपन किया गया। सर यहाँ बर्गर की बात आ गई है तो बिल्कुल हम चाहेंगे जल्दी से आप बताइए कि क्या है एक्चुअली ये इवेंट। जी बिल्कुल, अभी तो बहुत हम लोग जब आज के अगर युग की बात करते हैं तो मैकडोनाल्ड्स, पिज्जा हट, बहुत सारे जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करती है, लेकिन हम यही कहेंगे कि ज़्यादा ना खाएं। खैर उन सब बातों में नहीं जाते हुए हम सीधे न्यूज़ पे आते हैं। फर्स्ट बर्गर किंग याद रखिएगा लगभग आज से 62-63 साल पहले 1954 में क्या हुआ, जेम्स मैकडोनाल्ड एंड डेविड एगर्टन एंड जेम्स मैकडोनाल्ड इन लोगों ने क्या किया, ओपन द फर्स्ट इंस्टा बर्गर किंग एक कंपनी बनाई, याद रखिएगा इंस्टा बर्गर किंग एक कंपनी बनाई जो बाद में बर्गर किंग के नाम से फेमस हुई और बाद में ये पूरे वर्ल्ड में लगभग इसके 14,000 रेस्टोरेंट्स खोले गए। तो जो बर्गर का जो कॉन्सेप्ट है जो अभी भी मैकडोनाल्ड के नाम से बहुत सारे उनके स्टोर्स हैं वहां पर जाना जाता है, ये 1954 ही वो डेट है और आज ही का वो दिन है 4 दिसंबर जब मियामी में इसकी स्थापना यानी कि इन लोगों ने एक चेन शुरू किया, एक अपने पहले रेस्टोरेंट से उसके बाद में चेन हो गया और पूरी एक श्रृंखला बन गई और पूरे विश्व में क्या हुआ 14,000 इनके रेस्टोरेंट्स वहां पर विकसित हो गए। जी मैम बिल्कुल, चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट विच हेल्ड ऑन 1971, 4th of December 1971 के ही दिन द इंडियन नेवी अटैक्स द पाकिस्तान नेवी एट कराची। जी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ये उस दिन क्या हुआ आप लोग पहले भी, मैं भारत पाकिस्तान के क्योंकि ये बहुत गर्म मुद्दा है, आज के समय में भी बहुत गर्माहट से चल रहा है, मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद में फिर एकदम फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, नोटबंदी हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, मैंने बताया भी था 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। तो ये भारत पाकिस्तान का जो ये जो युद्धों का जो श्रृंखला चलती आ रही है बहुत है, तो ऐसे ही 1971 की वो घटना है 4 दिसंबर। हाँ याद रखिएगा 4 दिसंबर, यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने क्या किया, जो पाकिस्तान का नेवल स्टेशन था, बेस नेवल स्टेशन वहां कराची में स्थित था, वहां पर अटैक किया और अटैक करने के बाद में उसको मिटा दिया गया, इसीलिए हम लोग 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी मनाते हैं। बिल्कुल अच्छा। याद रखिएगा 4 दिसंबर को हम लोग भारतीय नौसेना दिवस भी इसीलिए मनाते हैं क्योंकि कराची में स्थित जो उनका नेवल बेस स्टेशन था उसको भारतीय सेना की फौज ने उसको नेस्त नाबूद कर दिया था।
बिल्कुल, दैट मींस 4th ऑफ दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द इंडियन नेवी डे ऑल्सो. तो कैंडिडेट्स प्लीज पेंड आउट दिस इन्फॉर्मेशन, इसको लिख लीजिए कि 4 दिसंबर के दिन इंडियन नेवी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट. पर यस, उसी के साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी इवेंट अब नहीं है, आज के सारे इवेंट्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि फाइनली हमने यहाँ पे सर, जैसा कि हम करते हैं सेशन में, हमने लास्ट में डे भी डिस्कस कर लिया कि हमारा इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट होता है 4th ऑफ दिसंबर को. सो कैंडिडेट्स, द सीरीज विच वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016 से जो ये सीरीज स्टार्ट की गई है, फॉर योर इंफॉर्मेशन #FYI, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. एंड यस, इफ यू आर लाइकिंग इट, पसंद आ रहा है आपको, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट्स करके अपनी रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स बताते रहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स के हिसाब से वी कैन मेक द सीरीज, वी कैन ब्रिंग समथिंग ऐसा जो आपको बेनिफिट उठाएगा. And definitely yes, keep on sharing the videos, क्योंकि आपके share करने से किसी ना किसी candidate का फायदा जरूर हो सकता है. जिसने भी ये video आज पहली बार देखा है, वो हमारे screen पे हमेशा बने हुए subscription button को click कर सकता है और हमारे subscribe viewer बन सकते हैं. 1st December, 2nd December, 3rd December and now this was the 4th December history. तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 365 days in a normal year and 366 days in a leap year. हर दिन में कुछ खास है, हर दिन में कुछ नया है, हर दिन कुछ घटा है, कोई ना कोई इवेंट हुआ है. तो द इवेंट विच हेल्ड ऑन एनी ऑफ द डे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस दैट ऑन दिस सेशन बेसिकली, दैट इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड यस, एज द एंड में जो हम कहते हैं हमेशा, वही आज भी फिर से कहेंगे, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.